गाइस वेलकम टू लॉकडाउन टेक स्टडी यूट्यूब चैनल। सो अज आप जो स्टार्ट करन लगे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज। सो इस सीरीज के सब तो पहला अपना फर्स्ट जो टॉपिक होगा वह होगा डेटा कम्युनिकेशन, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क के नेटवर्किंग की गल हो रही है, मतलब कि कुछ ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कोई मीडिया यूज हो रहा है। सो उन्होंने सबन जो मतलब समझने के लिए आप बेसिक पता होना चाहिए। सो आप बेसिक तो स्टार्ट करन लगे हैं। सब तो पहला आप डेटा कम्युनिकेशन देखते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन की होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो डेटा कम्युनिकेशन की आ कम्युनिकेशन मीनस की होंगे है, जो आप किसी के नाल कोई गलबात करते हैं दैट इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन। सो डेटा कम्युनिकेशन की होया दैट इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन इज टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन टू डिवाइसिज। देखो टू डिवाइसिज दे विच जो कोई डेटा जिहड़ा है ट्रांसफर किया जाता है या फिर एक्सचेंज किया जाता है दैट इज कॉल्ड द डेटा कम्युनिकेशन। हुण डेटा कम्युनिकेशन जिहड़ी आ इह कुछ मैथड कोई कुछ तो यूज करते होंगे जिहदे नाल जिहड़ा डेटा एक डिवाइस तो दूसरे डिवाइस तक चले जाता है। सो उहदे लई किहड़ा वो मैथड यूज कर लिया, वो यूज कर दी ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया जिहड़ा है यूज किया जाता है फॉर ट्रांसफरिंग और एक्सचेंज द डेटा। सो देखो सपोज करो कि अपने को एक सेंडर है, सपोज आ मेरे को एक सेंडर साइड है और एक मेरे को रिसीवर साइड है। ये अपने को रिसीवर है, ठीक है। हुण इसने सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया। सो सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया तो वो किदे थ्रू किया। सो आ जिहड़ा मैथड इत्थे यूज किया गया एक किदे द्वारा जिहड़ा इत्थों उहने मैसेज कोई लिखिया वो मैसेज जदों उहने सेंड किया इस रिसीवर दे कोल मैसेज किस तरह पहुंचिया वो की यूज किया दैट इज ट्रांसमिशन मीडिया यूज किया गया। मतलब कि इत्थे एक मीडियम यूज किया गया जिहदे नाल की आ मैसेज जिहड़ा ट्रांसफर होया दूसरी डिवाइस नूं। सो इस तरह जिहड़ा आपां मैसेज जिहड़ा है वो ट्रांसफर करदे आ। सो इहदे विच जिहड़ा इह ट्रांसमिशन मीडिया आ जां ट्रांसमिशन मीडिया दे विच आपणे कोल ए हो सकता है वायर केबल हो सकती है अपने को, ठीक है, या फिर अपने को हो सकती है वायरलैस, ठीक है, वायरलैस, क्योंकि वायर केबल्स भी आनिया ने तो हूँ वायरलैस भी जोड़ा होंगे आ। सो इस करके जो डेटा कम्युनिकेशन की यही एग्जाम्पल एक तुम जरूर लर्न कर लेनी कि सेंडर एंड रिसीवर होंगे जिन्होंने जो डेटा कोई मैसेज सेंड करना दैन के थ्रू आया कि दैन ट्रांसमिशन मीडिया के। सो ये हो गया अपना डेटा कम्युनिकेशन। नैक्सट आप देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स। सो नैक्सट आप देखते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन के एक टर्म होंगी लोकल एंड रिमोट। लोकल डेटा कम्युनिकेशन की होंगे आ जो आप कोई डाटा जोड़ा है ट्रांसफर करते हैं एक बिल्डिंग के अंडर किसी एक पीसी तो दूसरे पीसी तक सेंड करना होंगे आ दैट इज कॉल्ड लोकल डेटा कम्युनिकेशन। लोकल डेटा कम्युनिकेशन मीनस लोकली जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। सो नैक्सट है रिमोट। रिमोट हो गया जिस तरह कि आप इंटरनेट के उत्ते कोई डेटा सेंड करते हैं, मतलब वीडियो कॉल करते हैं, आप किसी भी सिटी किसी भी कंट्री के जी वीडियो कॉल कर सकते हैं। सो वो जो इंटरनेट के उत्ते वर्क हो जाता दैट इज कॉल्ड द रिमोट डेटा कम्युनिकेशन। मीनस कि आप आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री जो जो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड रिमोट डेटा कम्युनिकेशन। सो नैक्सट आप देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के फर्स्ट है रिलायबल डिलीवरी। सो रिलायबल डिलीवरी का की मतलब आ कि जो आप कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं डेटा ट्रांसफर किया कि वह डेटा जोड़ा है अपनी डेस्टिनेशन के उत्ते पहुंचा कि जिथे उस डेटा मैं सेंड किया कि डेटा उत्थे पहुँच गया या नहीं पहुँच गया ये चेकआउट करने का काम रिलायबल डिलीवरी। मतलब कि रिलायबल होंगी है डिलीवरी पहुँच जाता है डेटा सही सलामत। सो ये होंगी अपनी डेस्टिनेशन मतलब रिलायबल डिलीवरी। सो नैक्सट है एक्यूरेसी कि डेटा जोड़ा है वो एक्यूरेट पहुँच रहा है। मान लो कि मैं सेंड किया मैसेज हैलो कि जोड़ा आ सेंडर ने सेंड किया हैलो और रिसीवर कि हैलो मैसेज की मिल रहा है या फिर कुछ होर मिल रहा है। सो ये होंगे आ कि एक्यूरेसी चेक करता कि मैसेज जोड़ा एक्यूरेट पहुँच रहा है या नहीं। सो नैक्सट है टाइमली कि जोड़ा मैसेज आप सेंड किया कि वह मैसेज टाइम के उत्ते डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जिहड़ा काम आ टाइमली डिलीवर दा आ। सो इहदे विच की हुंदा आ इहदे विच अपने को रियल टाइम कम्युनिकेशन आ जांदी आ। रियल टाइम मीनस अपने को आडियो फाइल हो सकती आ वीडियो फाइल हो सकती आ। सो उहदे नाल जिहड़ा आ इह डेटा जिहड़ा आ उह
ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਲੈਂਥੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਟਾਈਮਲੀ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਟਰ ਜਿਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਲਾਇਬਲ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸਪੋਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਸੈਂਡ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਆਹ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈਂਥੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਲਦੀ ਚੱਲੇਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਰੁਕ ਗਈ ਆ ਹਜੇ ਥਰਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਫਸਟ ਅਤੇ ਥਰਡ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਆਹ ਥਰਡ ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਰਡ ਫਾਈਲ ਆਉਣੀ ਬਟ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਚਿੱਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਚਿੱਟਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਡ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਜਿੱਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨੋਟ ਜਿੱਟਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਡੇਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਬਟਨ ਦੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ